नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AAS अकेडमी में, मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग एक और दो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल। दोस्तों हमारे पास रोज कमेंट्स के माध्यम से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो मैंने आज सोचा कि चलिए कुछ कॉमन सवाल है, ऐसे 100-200 कॉमन सवाल थे जो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा था। मैंने आपको कुछ ऐसे नाम भी दिए हैं जो कॉमन नाम थे, उन कॉमन नामों को आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएंगे और आपने थंबनेल में वैसे देख लिए होंगे, जो आज हमारे कॉमन छात्रों ने कुछ ऐसे सवाल किए जो सभी को जानने की आवश्यकता थी। तो मैंने सोचा एक एक कमेंट्स का जवाब ना देकर इन सभी कमेंट्स का कलेक्शन कर लिया जाए और आप सभी को जवाब दे दूं, तो आप सभी को सभी प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे जो आपके दिल और दिमाग में उठ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, उसके पहले बता दूं कि वर्ग तीन की तैयारी करते रहिएगा, वर्ग तीन की वैकेंसी आएगी, चिंता ना करें। अभी खबर जो 12 तारीख को आई थी, 12 अक्टूबर को, कि अतिथि शिक्षकों को परमानेंट कर दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं, वर्ग तीन से रिलेटेड कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली है, तो आप चिंता ना करें, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। चलिए दोस्तों सबसे पहला सवाल ले लेते हैं हम अनु सोनी जी कहती थैंक यू सर, ये बताइए कि वर्ग एक का एक्सपीरियंस वर्ग दो में काउंट होगा कि नहीं। अनु जी चिंता ना करें, ऐसा कहीं लिखा नहीं था कि आप अतिथि शिक्षक वर्ग एक में हैं तो आपको वर्ग एक में ही उसका बेनिफिट मिलेगा। यदि आप वर्ग दो में जो अतिथि शिक्षक हैं तो आपको वर्ग दो में ही बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ उसमें ऐसा कहा गया था या तो आपके पास 2 सत्र पूरे होना चाहिए या 200 दिन पूरे होना चाहिए, तो आप आराम से 200 दिन यदि आपके कंप्लीट हो रहे हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आप चाहे वर्ग एक में हो या वर्ग दो में हो, ऐसा कहीं नहीं है कि वर्ग एक वालों को वर्ग एक में बेनिफिट मिलेगा और वर्ग दो वालों को वर्ग दो में ही बेनिफिट मिलेगा। यदि वो लोग वर्ग दो में पढ़ा रहे हैं और उन लोगों ने यदि वर्ग एक का पेपर दिया है तो उनको वर्ग एक में बेनिफिट मिल सकता है, और वर्ग एक का जो पढ़ा रहे हैं यदि उन्हें वर्ग दो में सिलेक्शन हो गया तो उनको वर्ग दो में उस चीज का बेनिफिट मिलेगा। क्लियर अनुजी? मुझे लग रहा है कि अनु सोनी जी का ये सवाल क्लियर हो गया होगा, बहुत सारे छात्रों के मन में भी ये सवाल होगा, तो उन लोगों के लिए भी इसका जवाब मिल गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है वंदना पाल जी बोलती है सर वर्ग दो का रिजल्ट कब आएगा, या नरेंद्र सोनी जी ने भी पूछा है, उमन जी ने पूछा है, रानी जी ने भी पूछा हुआ है, तेजपाल सिंह जी ने भी पूछा हुआ है और नरेंद्र सिंह जी ने भी पूछा हुआ है। तो बहुत सारे लोगों ने सवाल कॉमन सवाल था, तो इसलिए मैं बता दूं कि ध्यान रखिएगा वर्ग दो का रिजल्ट, जैसा कि आप सभी को पता है कि दीपावली के आसपास की बात कही है पीवी ने, कि दीपावली के आसपास आपका वर्ग दो का रिजल्ट आ सकता है। लेकिन एक बात और मैं बता दूं, यदि 25-26 तारीख तक रिजल्ट वर्ग दो का आ गया तो बिल्कुल सही बात है, यदि 25-26 तक रिजल्ट नहीं आया तो फिर आपको पता होगा कि 27 तारीख की आपको दीपावली है और उस समय आपकी छुट्टियां लग जाएंगी, तो यह रिजल्ट फिर आपका 27 तारीख के बाद मतलब दीपावली के बाद ही आने की पूरी कोशिश है, अन्यथा नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा है, उम्मीद है, जिस प्रकार से उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, कि दीपावली के पहले वो लोग रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे वर्ग दो का। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन है राजेश कुर्मी जी बोलते हैं कि 2 सत्र का गेस्ट तो फैकल्टी में लाभ मिलेगा। अब राजेश कुर्मी जी आप जो सवाल कर रहे हैं वो थोड़ा सवाल समझ में नहीं आ रहा, कि आप ये भी बोल रहे हैं कि 2 सत्र का गेस्ट है और फैकल्टी में लाभ मिलेगा, आप कौन सी फैकल्टी में लाभ मिलेगा ये कोई पता नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये कहना चाह रहे होंगे कि 2 सत्र का मेरे पास अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र है और आपके लिए उसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यदि इस तरीके का आपका क्वेश्चन है तो बिल्कुल डेफिनेटली आपके लिए इसका जो बेनिफिट है वो पक्का मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी मालवीय जी बोलती है थैंक यू सो मच सर, डाउट क्लियर कर दिए हैं। ये रानी मालवीय जी बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद, यदि आपको सुबह का वीडियो देखकर आपके डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो हमारी यही कोशिश है कि हम आपके लिए हमेशा ऐसी जानकारी प्रोवाइड कराते रहे कि आपके मन में उठ रहे सारे सवालों का जवाब मिलता रहे और आप जो मतलब भ्रामक खबर है, गलत जानकारियां, उनसे थोड़ा सा बचे रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निवी सिंह जी बोलती हैं कि यूपी वाले अतिथि शिक्षक का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं क्या। अब आपको पता है कि देखिएगा निवी जी, मैं आपको बता दूं कि यदि आप यूपी की रहने वाली हैं तो आपने अतिथि शिक्षक में यूपी में पढ़ाया होगा और ये वैकेंसी आपको पता होगा एमपी की है, तो ऐसा नहीं होगा। यदि आप एमपी में अतिथि शिक्षक होती तो आपको इसी का बेनिफिट मिल जाता, अब आप यूपी में तो यूपी का अतिथि शिक्षक का बेनिफिट इधर नहीं लगा सकती। यदि ऐसा होता तो हर राज्य में अतिथि शिक्षक है और वो अपने अपने सर्टिफिकेट बनवा के आ जाते और एमपी में लगा देते और एमपी वाले सर्टिफिकेट अपने ले जाते, वो दूसरे राज्यों में लगा देते, तो ऐसा नहीं है। ये एक्चुअल में एक राज्य लेवल का काम है, जो अपने राज्य में ही गेस्ट फैकल्टी होती है इसमें उसी को बेनिफिट मिलता है, अदर राज्य वालों को नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीतांजलि राजा
गीतांजलि रजक बोलती है कितनी रैंक पर हो सकता है वर्ग एक में हिंदी ओबीसी में। तो मैं आपको बता दूं गीतांजलि कि ध्यान रखिएगा आप बोल रही जो वर्ग एक में कितनी रैंक पर हो जाएगा। अब आपने थोड़ा सा इसमें अपनी रैंक डिक्लेयर नहीं की, यदि आप थोड़ा सा रैंक डिक्लेयर करती तो मैं आपको एक बार एक एवरेज आंसर दे देता कि हाँ भैया इतनी रैंक तक आपका वर्ग एक में फीमेल है आपका हो सकता है। आपको यदि ऐसा लगे कि आपके सवाल का जो जवाब मैंने प्रॉपर नहीं दिया है, आप अपने सवाल के जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो कल मुझे एक बार फिर से इसी वीडियो पर कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि प्रॉपर तरीके से आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट है अतुल सिंह जी लिखते हैं, सर मेरा स्कोर वर्ग दो में मैथमेटिक्स में 107 है, मेरे क्या चांस है। देखिएगा अतुल जी, अभी मैं बता दूं कि वर्ग दो का अभी एक्चुअल में रिजल्ट नहीं आया, और वर्ग दो का जैसा ही रिजल्ट आएगा उसके बाद क्लियर होगा, क्योंकि अभी वर्ग दो में जब रिजल्ट आएगा तो उसके पहले नॉर्मलाइजेशन होगा, और जब नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो उसमें नंबर कम और ज्यादा होते हैं। अभी आप 107 नंबर कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कम भी हो जाए, हो सकता है ज्यादा हो जाए, दोनों कंडीशन हो सकती हैं। तो आप इस प्रकार से अभी थोड़ा सा क्लियर है, अच्छी बात है, आपके 107 नंबर कोई बुरे नहीं, अच्छे अंक हैं, आपको चांसेस मिल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिजल्ट आ जाएगा तो अपन बिल्कुल चीजें क्लियर कर लेंगे कि आपका कितने परसेंट चांसेस हो जाएगा या नहीं होगा, देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शालिनी तोमर जी बोलती है, सर नंबर कुछ बढ़ेंगे क्या। शालिनी तोमर जी नंबर, शालिनी तोमर जी मैं आपको बता दूं दोनों चीजें होगी, नंबर बढ़ेंगे भी और नंबर घटेंगे भी, क्योंकि ये तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है। अब आपका पेपर कौन सी सेप्ट में हुआ है, कौन से सब्जेक्ट में हुआ है, यह आपने नहीं बताया इसलिए मैं क्लियर नहीं कर सकता। यदि आपका एक सेप्ट पेपर हुआ है तो उसमें थोड़े से नंबर कम न बढ़ने के चांसेस तो होते हैं, बट कम होते हैं, कुछ पॉइंट में होते हैं। लेकिन यदि आपका किसी अदर सेप्ट में हुआ है जिसमें 3-4 सेप्ट में पेपर हुआ है, उसमें नंबर बढ़ने और घटने के दोनों के बेहतरीन चांसेस है, मतलब ज्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको जवाब तो मैंने दे दिया। यदि आप अपना सब्जेक्ट बता दीजिएगा, सिर्फ बता देंगे तो आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राकेश बसंत, राकेश बसंत जी बोलते हैं, सर साइंस में वर्ग दो में पद कितने हैं। राकेश जी मैं आपको लिए बता दूं, जो पद वाली बात है यह थोड़ा सा भी मैं क्लियर नहीं कर सकता हूं कि कितने पद किस सब्जेक्ट में, साइंस की बात हो, हिंदी की बात हो, मैथ्स की बात हो, एक्स वाई जेड किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, इसमें थोड़ा सा हम क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी मैं जो पदों की संख्या है वो ऐसी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं इसके लिए, मैं कुछ वर्क कर रहा हूं, मेरे कुछ साथी लोग भी हैं जो काम कर रहे हैं इस पर कि कितने पद हैं, थोड़ा सा हम पता करें कि कितने कितने किस राज्य में, सॉरी डिस्ट्रिक्ट में पद हैं, उन हिसाब से हम बता पाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि कल आपको एक वीडियो ऐसा लाऊं जिसमें आपको एक एवरेज पद बता सकूं कि कौन से सब्जेक्ट में कितने पद हो सकते हैं, ठीक है। तो जरूर आपको कल इसका जवाब मिल जाएगा, मैं यदि कल तक वीडियो आपको डाल दूं तो। नेक्स्ट दोस्तों है प्रतिभा श्रीवास्तव, श्रीवास्तव जी बोलती है, सर 91 है इंग्लिश में जनरल फीमेल। प्रतिभा श्रीवास्तव जी पहले तो मैं आपको बता दूं आपके 90 नंबर हैं और 91 नंबर हैं, और 90 नंबर आपको सिलेक्शन के लिए चाहिए थे जनरल के लिए, भगवान ना करे आपके नंबर कहीं नॉर्मलाइजेशन में कम हो जाए, भले कम ना हो तो ज्यादा भी ना हो, लेकिन 91 यदि है तो आपका पूरी उम्मीद बनती है कि हो जाएगा, लेकिन 91 में भी दिक्कत है कि आप वर्ग एक में हैं या वर्ग दो में हैं, ये आपने थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं किया है कि वर्ग एक में यदि आप दो में होती तो मैं आपको उस हिसाब से आपके सवाल का जवाब भी दे देता, ठीक है। लेकिन कोशिश है कि भगवान ना करे मेरे को लग रहा है कि आपका भी नॉर्मलाइजेशन नंबर कम हो, बिल्कुल भी ना हो, जितना भी हो सके एक या दो नंबर आपके बढ़ जाए तो अच्छी बात है। वैसे यदि आपने वर्ग एक में इंग्लिश का पेपर दिया तो एक सेप्ट में पेपर हुआ था, इसमें नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम होने के चांसेस ही बहुत कम हैं, ठीक है। तो आप चिंता ना करें, ऊपर वाला जो भी करेगा बहुत अच्छा करेगा और आपके हित में करेगा। दूसरा सवाल हम लेते हैं धीरेन्द्र राजावत, धीरेन्द्र राजावत जी बोलते हैं, अरविंद सर आप मेरे कमेंट का जवाब नहीं देते हैं क्या। धीरेन्द्र राजावत जी पहले तो मैं आपको बता दूं, दिल से सॉरी बोलता हूं यदि मैंने आपके किसी कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाया हो, क्योंकि काफी व्यस्तता रहती है, काफी बिजी रहता हूं, इस कारण थोड़ा सा नहीं देख पाया होगा आपका कमेंट्स। आपको यदि ऐसा लग रहा है कि मैं आपके कमेंट्स का जवाब नहीं देता तो मेरे चैनल में मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर, उस पर आप मुझे बाकायदा व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना नाम लिखकर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जवाब दे दूं। और अब इस चीजों के लिए मैंने थोड़ा सा अपनी टीम को बढ़ा लिया है, तो मेरी टीम अब आप सबके लिए ऑपरेट कोई भी चीज होगी प्रॉपर जवाब देती रहेगी, मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप मुझे जवाब देना, मेरी टीम खुद आप सभी के लिए बताती रहेगी। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि वर्ग तीन की तैयारी करा रहा हूं मैं, वर्ग तीन के नोट्स भी कंप्लीट हो चुके हैं, वर्ग तीन के यदि नोट्स आप सभी वर्ग तीन की तैयारी के लिए चाहते हैं तो वर्ग तीन के नोट्स की बुकिंग ओपन हो चुकी है, आप वर्ग तीन के नोट्स को बुक करा सकते हैं 9111705039 पर, व्हाट्सएप पर मैसेज लिख दीजिएगा, अपना नाम लिख दीजिए, यदि आप वर्ग तीन के नोट्स चाहते हैं तो आप जल्दी दीपावली के पहले पहले आप बुकिंग करा दीजिए, तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। और देखिएगा
जो हमने अमाउंट रखा है बिल्कुल ज्यादा नहीं रखा है, न्यूनतम अमाउंट रखा है कि सभी छात्रों के हित में, सभी छात्रों को ज्यादा नहीं लगेगा। इस अमाउंट की मैं बात करूंगा तो मैंने अपने कलीग से भी डिस्कस किया है, अपने साथियों से डिस्कस करके ही यह अमाउंट रखा है। तो ध्यान रखिएगा, आप अच्छे से और जल्दी से सफलता चाहिए तो बिल्कुल बुक करा सकते हैं और अभी बुक करा लीजिए, बिल्कुल चिंता ना करें। अभी मोबाइल उठाए 9117005039 पर अभी मैसेज डाल दीजिएगा अपना नाम लिखकर। और पैसे ट्रांसफर करने की बात है तो कैसे भी कर सकते हैं आप, बैंकिंग से कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं, अदर माध्यम से भी कर सकते हैं। आजकल पैसे ट्रांसफर करने के बहुत सारे साधन हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक लिए नमस्कार, अपना बहुत ध्यान रखिएगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब इसी प्रकार से आगे भी देता रहूं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।